हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सौंफ के पानी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो सौंफ के पानी पीने में हेल्प करती हैं जल्दी ठीक होने में। और दूसरा हम बात ये भी करेंगे कि इसमें क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। और तीसरा, किस किस डिसीज़ में हमें किस तरह से देना चाहिए और कौन कौन से डिसीज़ में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज हम बात करेंगे सौंफ के पानी के हेल्थ बेनिफिट्स। तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हेल्थ वाइज हमें हेल्प करते हैं, तो चार पांच चीज़ें कॉमन होती हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं हेल्थ वाइज। सौंफ में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है और विटामिन सी होता है। ये बहुत सारे डिसीज़ में हमें हेल्प करते हैं। बहुत बार इन इंग्रेडिएंट की जब बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो बहुत सारे डिसीज़ हमारे को फेस करनी पड़ती हैं और हमें बाहर से दवाइयां खानी पड़ती हैं इनकी कमी को पूरा करने के लिए। बट अगर आप सौंफ का पानी लेते हैं और ये इंग्रेडिएंट जैसे आपकी बॉडी में जाते हैं और उनकी कमी को दूर करते हैं, तो बहुत सारे डिसीज़ अपने आप ठीक हो जाती हैं। सौंफ का पानी सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है जॉइंट रिलेटेड डिसीज़ में। अगर आपको जोड़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी जोड़ों में सूजन रहती है, दर्द रहता है, तो आपको सौंफ का पानी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सौंफ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करते हैं। सौंफ में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से ये बोन रिपेयर में और बोन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अगर जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और हड्डियाँ वीक हैं, तो सौंफ का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। खाने के बाद सौंफ खाना बहुत कॉमन है, बट ये सौंफ खाली टेस्ट के लिए नहीं खाई जाती, ये आपके डाइजेशन को बेटर भी करती है। ये आपके डाइजेशन ट्रैक के जो एंजाइम होते हैं जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं, उनकी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है और साथ में एंटी फंगल भी काम करती है। तो जो बैड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ग्रो कर रहे होते हैं, उसको भी रिड्यूस करती है। बहुत बार स्टमक इन्फेक्शन में ये बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से ही आपको पेट दर्द और ऐसी कई सारी समस्याएँ फेस करनी पड़ती हैं जो डाइजेशन को ख़राब करती हैं। तो ऐसे केसेस में भी अगर आप सौंफ का पानी लेते हैं तो भी फ़ायदा करेगा, और अगर आप रूटीन में भी सौंफ का पानी लेते हैं तो वो आपके डाइजेशन को अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। बच्चों में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बड़ी कॉमन रहती है, तो ऐसे केसेस में अगर बच्चों को रोज़ाना आधा कप सौंफ का पानी देंगे तो उनके डाइजेशन को ये हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। सौंफ का पानी बॉडी से एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क की तरह काम करता है और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में घुसने से रोकता है। और अगर कोई इन्फेक्शन आ भी गया तो उसको डैमेज करने में, उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। तो अगर बॉडी में कुछ ऐसा है कि इन्फेक्शन है, इसीलिए अगर आप देखते हैं तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जो अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो स्नीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो जर्नल में एलोपैथी के हिसाब से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से फैलती है, तो ऐसी डिसीज़ में भी सौंफ का पानी बहुत हेल्प करता है। और बहुत सारी दवाइयों में जो कफ सिरप होते हैं उसमें सौंफ का यूज़ किया जाता है। सौंफ का पानी ना केवल बॉडी ऑर्गन्स पे वर्क करता है, बट ये ब्रेन पर भी काम करता है। तो जो एज रिलेटेड डीजेनरेशन होती है, जिसको जैसे आपने बहुत सारी डिसीज़ सुनी है जिसमें अल्जाइमर कॉमन है, जिसमें ब्रेन सेल वीक हो रहे होते हैं, डेड हो रहे होते हैं, ऐसे केसेस में भी सौंफ का पानी हेल्प करता है उनको दोबारा से रीजनरेट करने में या उनकी हेल्थ को प्रमोट करता है, तो जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, अच्छा रहता है। तो ओल्ड एज में भी इसलिए सौंफ का पानी पीना या सौंफ खाना हेल्दी होता है। मेनोपॉज के दौरान बहुत सारी फीमेल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन फेस करती हैं, ऐसी केसेस में भी सौंफ का पानी बहुत अच्छा हेल्प करता है। ये उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है जो ड्यूरिंग मेनोपॉज चल रहे होते हैं। तो ऐसे में भी आपको ये ट्राई करना चाहिए, ये बॉडी के उन सारे सिम्टम को रिड्यूस कर देता है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सौंफ का पानी हार्ट हेल्थ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ में ये बीपी को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप सौंफ का पानी लगातार कुछ महीनों तक पीते हैं, तो इससे आपके हार्ट हेल्थ पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरीज को ब्लॉक करने के लिए कॉज करता है वो भी कम होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।